मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान खुद ढोल और नगाड़ों में थिरकते नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं महिला मोर्चा की भी पदाधिकारी हैं जो इस जश्न में थिरकते नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। सर, कितनी खुशी है अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं ये भाजपा की महाविजय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर ये चुनाव भाजपा जीती है। ये साबित हो चुका है कि 2019 में इस देश में पुनः हमारी सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ 2018 में भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, 2019 में दिल्ली में। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिलने के बाद प्रदेश कार्यालय में भारी जश्न है और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंगी। सर, ये किस तरह का जश्न है और कितनी जश्न की बात है और देखिए, इस देश की राजनीति में एक ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जातिवाद और धर्म को भेद करने वाली राजनीति का अंत हुआ। ये मोदी का जादू है, ये मोदी की जीत है, ये भाजपा के माध्यम से देश की आम जनता की जीत है। आगे और जीत हासिल की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी। सर, कितनी खुशी है और क्या वजह है जीतने की? आंधी नहीं है बल्कि तूफान है, तूफानी जीत हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है कि इतनी बड़ी विजय हुई है। ये जो जनता का आशीर्वाद है, इससे ये तो साफ हो गया है कि लोगों ने उत्तर प्रदेश में बेमेल जो गठबंधन कहा जा रहा था, उस ठगबंधन को वहाँ की जनता ने हराने का काम किया है कि 5 साल उन्होंने जनता को प्रताड़ित किया था। साथ ही इन चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके पीछे मैं ये भी मानता हूँ कि जो विपक्ष के लोग ये चिल्ला रहे थे कि नोटबंदी ये जो प्रधानमंत्री जी ने की है वो गलत की है, लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के नोट बदली के कार्यक्रम पर लोगों ने मोहर लगा दी है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार के बदौलत बरसों बाद कमल खिला है। यूपी की इस सियासत का देश पर और खासतौर पर मध्य प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी का असर पूरे देश में पड़ा है, लेकिन विपक्ष के लिए नोटबंदी वोटबंदी साबित हुई है। कैमरामैन अनवर के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया पोस्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।